इस क्वेश्चन को आपको इस क्वेश्चन को दिया गया है डिफरेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक्स ग्रेटर देन जीरो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्वेश्चन की क्लैरिटी मेंशन करने के लिए है, इसका कोई डिफरेंशिएशन से लेना देना नहीं है। अगर ये बताया गया है कि आप एक्स की क्या वैल्यू डाल सकते हो जिससे ये फंक्शन एक रियल वैल्यूज दे, रियल वैल्यू दे, जैसे अगर एक्स मान लीजिए आप निगेटिव डालते हो, सपोज माइनस फोर डालते हैं, अगर यहां एक्स माइनस फोर डाल देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस फोर ये आपका हो जाएगा फोर स्क्वायर रूट फोर आई, दैट मीन्स टू आई हो जाएगा। ये एक नॉन रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर जो आप इलेवेंथ में पढ़े होंगे, इसका मतलब कि ये रियल वैल्यू फंक्शन नहीं रहा एक्स निगेटिव के लिए। तो हमेशा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो रहेगा तभी आप इसे कहोगे रियल वैल्यू फंक्शन है। इसका मतलब कि हम ये सिर्फ और सिर्फ आपका इसका डिफरेंशिएशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्वेश्चन को क्लैरिटी मेंशन करने के लिए है, इसका कोई रोल नहीं है, इसे हटा देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करना, अब ये फंक्शन जो है देखिए जब एक्स की वैल्यू आप प्लेस करोगे तो एक्स जब भी प्लेस करोगे तो ये पहले स्क्वायर रूट ऑपरेट होगा, दैट मीन्स नेक्स्ट इनर फंक्शन जो ऑपरेट करने वाला है स्क्वायर रूट है, इसके बाद आपका क्या है ई ऑपरेट करेगा, ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑपरेट करेगा, ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी तब जाके कहीं आपकी फाइनल वैल्यू फंक्शन से लेट इसे कर लेते हैं वाई, वाई की वैल्यू आएगी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, मतलब यहां पे फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ मेनी फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर ये फंक्शन फिर ये और वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो चेन रूल लगाएंगे हम लोग डिफरेंशिएट करने के लिए। अब प्रॉपर तरीके से करते हैं, पहले हम लोग जो इसके अंदर है, जो भी इसके अंदर है उसे u एज्यूम कर लेते हैं। तो u आप क्या एज्यूम करोगे, u इक्वल्स टू e टू द पावर रूट एक्स, ठीक है, रूट एक्स। लेकिन जो रूट एक्स है फिर ये आपका सिंपल x नहीं है, तो रूट एक्स को आप क्या मान लो, v मान लो, दैट इज रूट एक्स, और यहां पे हटा के हम क्या लिख दें, v लिख दें, ठीक है। और ये y जो हो गया दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ U हो गया। तो देखिए अब हर एक फंक्शन, हर एक जो आपका वेरिएबल है वो सिंगल वैल्यू वेरिएबल है, मतलब y सिर्फ u का फंक्शन है, u सिर्फ v का फंक्शन है, और v जो है फाइनली x का फंक्शन है। तो ये आपने एक चेन क्रिएट कर ली, अब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे जो जिसका फंक्शन है। तो y चूंकि u का फंक्शन है तो आप u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो d by du of y that is equals to d by du of square root of U, और स्क्वायर रूट यू को आप क्या लिखोगे, दैट इज वन बाई डी बाई डी यू ऑफ यू की पावर वन बाई टू, और यहां पे आप लगा दोगे एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो वन बाई टू यू की पावर वन बाई टू माइनस वन, और वन बाई टू माइनस वन कितना होता है, माइनस वन बाई टू होता है। तो यही पे हम लोग, नहीं तो स्टेप बहुत लंबा होता चला जा रहा है, माइनस वन बाई टू, और माइनस वन बाई टू को आप क्या लिख सकते हो, वन बाई, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर माइनस एम को आप हमेशा 1 बाई एक्स की पावर m लिखते हो, तो वही चीज यहां अप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 1 बाई यू की पावर हाफ, और u की पावर हाफ को क्या लिखते हो आप, अंडर रूट u। तो फाइनली यहां पे आ गया 1 बाई अंडर रूट u। अभी भी u आपका क्या है, डमी वेरिएबल है, ठीक है, आप हमेशा ओरिजिनल वेरिएबल में रिजल्ट लिखने की कोशिश करिए। तो u आपका क्या था, u था e की पावर रूट एक्स, तो यहां पे आप प्लेस कर दोगे 1 बाई टू, 1 बाई अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स, दैट इज योर फर्स्ट रिजल्ट विच इज डीवाई बाई डी यू। अब यू चूंकि वी का फंक्शन है तो इसको वी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी वी ऑफ यू दैट इज इक्वल टू डी बाई डी वी ऑफ ई की पावर वी, और ई की पावर तो सबसे आसान डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, तो दैट इज ई की पावर वी, लेकिन वी अभी भी हमारा डमी वेरिएबल है, इसे रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल वेरिएबल से, दैट इज रूट एक्स, तो दैट इज योर डी यू बाई डी वी से, दैट इज योर रिजल्ट नंबर टू। अब इसको वी चूंकि एक्स का फंक्शन है तो आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वी दैट इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब इस पर वापस उतनी मेहनत नहीं करें हम लोग, यहां पर देखे हैं कि स्क्वायर रूट यू का जो डिफरेंशिएशन है वो वन बाई टू अंडर रूट यू आता है, ठीक है, तो ये सेम है, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, वन बाई टू अंडर रूट
x, that is your result number 3. Now हम लोग क्या जानते हैं, since जो dy by dx होता है, dy by dx, that is dy by du into du by dv into dv by dx, सब मल्टीप्लाई कर दीजिए तीनों रिजल्ट को, इसका मतलब तो क्या आ जाएगा आपका 1 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर, आपका क्या है e टू द पावर अंडर रूट x, ठीक है, उसके बाद du by dv e की पावर रूट x है, और आपका थर्ड dv by dx तो 1 बाई 2 रूट x है, तो 1 बाई 2 रूट x हो गया, तो फाइनली आपका 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, तो जो फाइनल आप आंसर लिखोगे दैट कम्स आउट टू बी 1 बाई ऊपर लिख देते हैं यहां पे 1 बाई 4, और न्यूमरेटर में क्या रहेगा आपका e टू द पावर अंडर रूट x और रूट x इंटू e टू द पावर या स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर रूट एक्स, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। लेकिन कभी भी हम ये जो डमी वेरिएबल एज्यूम कर रहे हैं ये क्वेश्चंस को और मतलब लंबा बना रहा है, ठीक है, लेंदी तो नहीं बना रहा है, आसान बना रहा है लेकिन लंबा बना रहा है, इसका सेंस आप इसको हमेशा डायरेक्ट करने की कोशिश किया करो। देखो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, ये रिकॉग्नाइज करना पड़ता है कि चेन क्या है, फंक्शन का वो सीक्वेंस क्या है या सबसे आउटर फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा, ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं कि आप डायरेक्टली कैसे करोगे, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड, तो अब देखिए डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम डीवाई बाई डी एक्स, अब सबसे पहले हम स्क्वायर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे, और स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई 2 रूट होता है, वॉट एवर द इनसाइड द रूट, रूट के अंदर जो भी है वो लिख दीजिए, क्या है आपका e टू द पावर रूट x है ना, स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन यहां से भी चेक कर लीजिए 1 बाई 2 रूट जो भी है u है ना, इसी तरह से इंटू e की पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वही होता है, तो जो भी e की पावर है वो लिख दीजिए रूट एक्स इंटू, फिर किसका डिफरेंशिएशन है, सेकेंड हो गया, थर्ड, फिर रूट का डिफरेंशिएशन है, तो फिर से 1 बाई 2 रूट जो भी रूट के अंदर है, चूंकि एक्स है तो एक्स लिख दिया, ये आखिरी चेन का चेन की आखिरी कड़ी थी जो डिफरेंशिएट होनी थी, ठीक है, हो गई, अब इसको आप रीअरेंज कर लीजिए जैसे हमने इसको रीअरेंज करके ये लिख लिया है, दैट इज योर आंसर। तो हमेशा डायरेक्ट करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है या ये जो पार्ट है ये इंटरमीडिएट आएगा, बीच में आएगा, किसी बड़े क्वेश्चन के बीच में आएगा, तो आदत नहीं रहेगी, तो एक बड़े क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो और बीच में पता चला डमी वेरिएबल एज्यूम कर रहे हो, तो वैसे ही हॉच पॉच हो जाएगा, ठीक है।